यहाँ सरकार तो बदल जाती है लेकिन जो नहीं बदलती वो है रिश्तेदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया में। मैं हूँ अंजलि चावला आपके साथ। पंजाब में सियासत परिवारों को विरासत में मिली है। जी हाँ, अब बता दें कि चुनाव आते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर सत्ता एक घराने से प्रस्थान कर दूसरे खानदान में चली जाती है और राज्य की राजनीति में आया अस्थायी संतुलन हर 5 साल बाद बैलेंस हासिल कर लेता है। इन आपसी घरानों में शादियां होती है, रिश्तेदारी है। राजनीति और रिश्तेदारी का ये नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि कोई भी परिवार लंबे समय तक सत्ता के सुख से वंचित न रहे। आपको बता दें कि 2022 में ये सब पलटने वाला है। जी हाँ, पटियाला से कैप्टन की शाही फैमिली, लंबी से बादल, सराय नागा से बरार मजिठिया और कैरो के मान, राज्य के वो राजनीतिक परिवार है जिनके आसपास बरसों से पंजाब की राजनीति घूम रही है। लेकिन 2022 में जो ये समीकरण है वो चेंज होने वाला है, पूरी तरह से बदलने वाला है। हालांकि साल 2017 की बात करें तो 2017 में आम आदमी पार्टी आपने 6 खानदानों के इस दबदबे को गंभीर चुनौती तब दी जब पहले प्रयास में पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया था। जी हाँ, इस बार चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में भी आपने अपने रुतबों का टेलर तो दिखा ही दिया है। अगर बादल परिवार की बात करें तो बादल परिवार के मुखिया प्रकाश सिंह बादल 2017 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम पद पटियाला परिवार के कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास आ गया और तब उन्होंने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में जीत हासिल की। स्वतंत्र ताकतों के इन सियासी खानदानों को चुनौती भी दी। पंजाब की राजनीति इन 6 कुनबों के आसपास जरूर घूमती रही लेकिन बीच बीच में स्वतंत्र ताकतों ने इन सियासी खानदानों को चुनौती भी दी है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व सीएम सुरजीत सिंह बरनाला, बेअंतर सिंह ने सुबह इन सियासी परिवारों को अपनी लोकप्रियता और सियासी गठजोड़ से चुनौती दी और पंजाब के सीएम बने। 2022 में पंजाब की राजनीति एकदम जुदा है। जी हाँ, किसान आंदोलन ने कई समीकरणों को चोट पहुंचाई है। सूबे में आपका प्रभावशाली आगमन हो चुका है, कैप्टन अपना नया खुद खवैया है और अगर आपको बात करें अंतर्कलह की तो उससे जूझ रही कांग्रेस की दलित चेहरे पर भरोसा है। बादल की वापसी की उम्मीद है तो बीजेपी भी अपनी जमीन तैयार कर रही है। पंजाब में आपको बता दें कि सालों से कांग्रेस है लेकिन पंजाब एक जबरदस्त चुनावी युद्ध देखना जा रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में स्थिति रोचक है और दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतर रहे हैं। उधर सिमरनजीत सिंह मान ने भी इस विधानसभा के लिए 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सियासत में रिश्तेदार भी टकराएंगे, क्या पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर टक्कर देगी। सिमरजीत सिंह मान तरन तारण से दोबारा संसद रह चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं सिमरजीत सिंह के बारे में विस्तार से। स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी की कार्रवाई के विरोध में आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले सिमरजीत सिंह मान सिख अपनी अकाली दल अमृतसर को एक प्रभावशाली पार्टी के रूप में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 की चुनाव जो है वो किसान आंदोलन की वजह से पूरी तरह से बदल चुका है। इसका समीकरण है वो बदलने वाला है तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव में आखिर पंजाब में किसकी सरकार आती है। आप किसे चुनेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी